नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से घर के बदले में अर्जुन एक ऑफर देता हुआ नजर आएगा प्रीता को, क्योंकि प्रीता से बोलता हुआ नजर आएगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इस घर को तुमसे ना छीनूं तो तुम्हें मेरे साथ में शादी करनी पड़ेगी। और वाकई में दोस्तों खेल कितना दिलचस्प ट्विस्ट आया है जिसमें प्रीता उस ऑफर को एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लेती हैं। जी हाँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अब शादी होने जा रही है प्रीता की अर्जुन के साथ में। साथ ही दोस्तों सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक होते हुए नजर आने वाले हैं, यहाँ तक कि अंजलि भी शौक हो जाएगी कि आखिरकार अर्जुन ये क्या बोल रहे हैं प्रीता के साथ में शादी करने के लिए। क्योंकि अर्जुन ने साफ साफ खुले शब्दों में सभी के सामने प्रीता को ये ऑफर दिया है कि अगर तुम चाहती हो कि ये घर मैं ना लूँ और ये घर तुम्हारा ही रहे तो तुम्हें इसके बदले कुछ करना होगा और जो मैं कहूँ वो ही चीज़ तुम्हें स्वीकार करनी होगी। क्योंकि दोस्तों शादी के बाद बोलने के बाद में प्रीता बोल देती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ में शादी करने के लिए तैयार हूँ। और वाकई में अब ऋषभ को जब इस बात का पता चलेगा तो ऋषभ भी बहुत ज़्यादा टेंशन में और प्रीता को समझाता हुआ नजर आने वाला है। हालांकि बात की जाए प्रीता की तो उसे पता चल चुका है कि ये अर्जुन नहीं है बल्कि ये मेरा करण ही है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस चीज़ को खाली दो ही लोग जानते हैं और दो लोग कोई और नहीं है बल्कि प्रीता और प्रीता के साथ में सृष्टि। दोनों बहन इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीका से भली भांति जानते हैं कि आखिरकार ये शख्स कौन है। आप लोग जानते ही हैं कि अर्जुन के फिंगरप्रिंट मैच कर चुके हैं और सिग्नेचर मैच कर चुके हैं और मैच करने के बाद ही प्रीता ने अपनी तरफ से कोई डिसीजन लिया है। और वाकई में प्रीता का कहीं ना कहीं ये डिसीजन बिल्कुल सही साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रीता जल्दी ही एक नया खुलासा करने जा रही है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएगा इस कैसे लगी मेरी वीडियो। थैंक यू।